अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 3 पाव गाजर लिए हैं, उन्हें साफ़ करने के बाद कद्दूकश कर लिया है। पैन में गाजर डाल दीजिए, साथ ही आधा कप पानी शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर दें और स्लो फ्लेम के ऊपर इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक ये गाजर गल जाए और सारा पानी एवोपरेट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप देसी घी शामिल किया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें 1/2 कप से 3/4 प्याली तक चीनी शामिल कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दोबारा से मैंने कवर किया है और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक कर लिया जब तक कि चीनी का जो पानी निकला है वो एवोपरेट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया 1/2 चाय का चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गाजर को फैला दीजिए, चूल्हा बंद कर दें और गाजरों के बीच में 1 पाव खोया रख दें और इसे गाजर के साथ अच्छी तरह कवर कर दीजिए। पैन को कवर कर इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और इसके बाद हल्के हाथों के साथ खोए और गाजर को मिक्स कर लें। अपनी पसंद के नट्स ऐड करें और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गाजर के हलवे को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।